हेलो एवरीवन, मैं अरविंद, इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में कॉलेज परीक्षाओं को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है उस पर चर्चा करूंगा। आज जो है कमेटी रिपोर्ट सौंपने वाली है राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग को, और फाइनल अंतिम निर्णय आज आने के पूरे पूरे चांस नजर आ रहे हैं कि आज अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा कॉलेज परीक्षाओं को लेकर। राजस्थान प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उनमें पढ़ने वाले लगभग 20 लाख छात्र छात्राओं को इंतजार है उनकी परीक्षाओं के निर्णय का, कि उनकी परीक्षाएं कंडक्ट होंगी या उन्हें प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट किया जाएगा तो कौन कौन से ईयर वाले बच्चों को किया जाएगा, और एग्जाम कंडक्ट होगी तो कौन कौन से ईयर वाले बच्चों की एग्जाम कंडक्ट होगी। वो फाइनली बहुत जल्दी वो निर्णय आने वाला है, तो देखते हैं कब तक वो निर्णय आता है। तो जो भी अपडेट आ रही है मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से बच्चे प्रमोट हो सकते हैं, किसकी एग्जाम हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। जो भी न्यूज चैनल हैं या इसके अलावा जो भी न्यूज पेपर से जो अपडेट आ रही है आपको बताने वाला हूं। तो आज के न्यूज पेपर दैनिक भास्कर में जो अपडेट आ रही है आपके प्रमोशन के लेकर, आपके एग्जाम को लेकर, तो यहां पर बताना चाहूंगा फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो अपडेट है कि यूजी कोर्स के जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है बीए बीएससी बीकॉम के, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, इजिली प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही है। प्रमोट कर दिया जाएगा, प्रमोट किया नहीं है, कर दिया जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट कर सकते हैं, ऐसी अपडेट सामने आ रही है। वहीं मैं बात करूं सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की, तो अभी भी असमंजस बना हुआ है सेकंड ईयर फाइनल के साथ क्या किया जाएगा, क्योंकि काफी अलग अलग अपडेट आ रही है और भी सोर्सेज से। लेकिन दैनिक भास्कर में जो अपडेट है वो ये है कि सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं, चाहे वो यूजी कोर्सेज के हो चाहे वो पीजी कोर्सेज को, उनकी एग्जाम होगी, उनकी एग्जाम होगी और मल्टीपल चॉइस उनकी एग्जाम ली जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्या है, काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैंने मॉर्निंग में भी लाइव सेशन लिया था, तो आपके डाउट रह गए कि सर मल्टीपल चॉइस है क्या, मल्टीपल एग्जाम का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि आपके जो पेपर आएंगे, आपके जो एग्जाम के पेपर होंगे, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, चार ऑप्शन में से आपको एक क्लिक करना होता है। ओएमआर सीट पर आपका पेपर होगा, ओएमआर सीट पर आपका पेपर होता है होगा, यह आपका मल्टीपल चॉइस है। तो यूपी के अंदर जो सेकंड ईयर की एग्जाम है वो भी मल्टीपल चॉइस हो रही है, तो राजस्थान में भी सेकंड ईयर की एग्जाम को मल्टीपल चॉइस करवाया जा सकता है। दैनिक भास्कर में अपडेट आ रही है। और मल्टीपल चॉइस मैंने आपको समझा दिया क्या होगा, जैसे कि भाई आपका एक पेपर है, एक सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपके तीन पेपर होते हैं, तो तीन पेपर की जगह आपका एक ही पेपर हो जाएगा और एक ही पेपर में आपके 50 या 60 क्वेश्चन आ जाएंगे एमसीक्यूज, और वो आपको करने होंगे। लगभग 1-1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, तो समय भी कम लगेगा, रिजल्ट बनाने में भी टाइम कम लगेगा, क्योंकि ओएमआर सीट आपकी जल्दी जांच की जा सकती है, तो ओएमआर के आधार पर आपका पेपर हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। यह होता है मल्टीपल पेपर होना। अब यहां पर हम बात करते हैं फाइनल ईयर की, तो दैनिक भास्कर की जो अपडेट है फाइनल ईयर के अकॉर्डिंग की एग्जाम होगी नहीं होगी, तो फाइनल ईयर की एग्जाम होगी और वो भी जुलाई मंथ के अंतिम वीक में फाइनल ईयर की एग्जाम होती हुई नजर आ रही है। फाइनल ईयर की एग्जाम लास्ट सेशन में भी कंडक्ट हुई थी, इस सत्र में भी होगी और वो भी जुलाई के एंड वीक में होने के पूरे पूरे चांस है, और अगस्त तक आपका रिजल्ट आ सकता है फाइनल ईयर वालों का। तो ये तीनों सालों का मैंने सिनेरियो बता दिया है कि फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट कर सकते हैं, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की एग्जाम होगी, सेकंड ईयर की मल्टीपल चॉइस होगी और फाइनल ईयर की जो एग्जाम है जुलाई एंड तक आपकी एग्जाम हो सकती है। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा राजस्थान पत्रिका जो न्यूज़पेपर आता है राजस्थान के अंदर उसमें क्या अपडेट है, क्योंकि अलग-अलग सोर्सेज से अलग-अलग अपडेट पता लग रही है तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं कि कौन सी अपडेट किस सौजन्य से ली गई है, कहां से प्राप्त हो रही है। तो राजस्थान पत्रिका में अपडेट है कि पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए, सभी कुलपतियों का मानना है, राजस्थान प्रदेश के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन कुलपतियों का मानना है कि आपकी एग्जाम से पहले जो 18 प्लस वाले बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन होनी चाहिए और उसके बाद में एग्जाम जो है कंडक्ट होनी चाहिए। ज्यादातर जो कुलपति हैं एग्जाम के समर्थन में हैं, लेकिन वो चाहते हैं पहले वैक्सीनेशन हो सभी 18 प्लस बच्चों को, उसके बाद में एग्जाम कंडक्ट हो। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन की जाएगी, उसके बाद एग्जाम कराई जाएगी, ऐसी खबरें आ रही हैं राजस्थान पत्रिका से। अब मैं बताना चाहूंगा न्यूज 18 राजस्थान से खबरें ये निकल के सामने आ रही हैं। लेट नाइट भी खबर आई थी जी राजस्थान की और न्यूज 18 राजस्थान की, बाकी जो दो राजस्थान के बड़े न्यूज चैनल हैं जी राजस्थान और न्यूज 18 राजस्थान, दोनों की खबरें ये हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया जाएगा और फाइनल ईयर की एग्जाम कंडक्ट होगी, वो भी जो समय 2 घंटे का है उसको घटाकर 1.5 घंटे का समय कर दिया जाएगा, 1.5 घंटे का पेपर कर दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पेपर करवाया जाएगा और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया जाएगा, वो भी लास्ट ईयर के सिस्टम के हिसाब से, जो लास्ट ईयर में बच्चों को प्रमोट किया गया था एवरेज मार्क्स के आधार पर, मतलब कि लास्ट ईयर के मार्क्स के आधार पर, उसी मार्क्स के आधार पर वही पैटर्न के आधार पर बच्चों को पास कर दिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही है न्यूज 18 राजस्थान। और जी राजस्थान का जो ट्वीट है ऑफिशियली ट्वीट, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी लेट नाइट, तो उस आधार पर बता रहे। तो अब थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो सबने क्लियर बोल दिया कि फर्स्ट ईयर के तो बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन सेकंड ईयर फाइनल ईयर को लेकर थोड़ा असमंजस बना हुआ है। तो जल्द से जल्द निर्णय आएगा सरकार का और ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी एग्जाम सेकंड ईयर फाइनल ईयर की होगी या नहीं होगी।
वैसे चांस बन रहे हैं कि आपकी सेकंड ईयर की भी एग्जाम हो, फाइनल ईयर की भी हो। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा राजस्थान सरकार से, मैं अपील करना चाहूंगा कि जो भी आप निर्णय करें, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के हो, फाइनल ईयर के हो, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी हेल्थ को देखते हुए प्राथमिकता दी जाए, उनकी हेल्थ प्रायोरिटी रखी जाए। इसके अलावा जो है आप उनका जो करियर है या आगे जाके आपको लगता है कि इन क्लासेस को प्रमोट करना चाहिए या इन क्लासेस की एग्जाम कंडक्ट करानी चाहिए, तो आप अपने स्तर पर विद्यार्थियों के हित में फैसला लें। तो राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों की कॉलेज एग्जाम से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।